यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। भौगोलिक लक्षण एक तरफ और एक तरफ दिया गया था प्रदेश। एबिसिनी पठार, अरब, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और ओकाबांगो द्रोणी पैटागोनिया। एबिसिनी पठार को इथोपियन हाईलैंड्स या अम्हारा पठार भी कहते हैं। यह पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से में फैला है। यह इथोपिया और इरिट्रिया में फैला हुआ है। वहीं अरब प्रायद्वीप पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, जिसमें सऊदी अरब और यमन जैसे देश शामिल हैं। गुयाना उच्च भूमि का विस्तार दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में है। इसमें गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों का हिस्सा शामिल है। ओकवांगो बेसिन का विस्तार पैटागोनिया नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका में है, जबकि पैटागोनिया पठार का विस्तार है दक्षिणी अमेरिका में। एटलस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, जो कि सही है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी।